दोपहर के करीबन 1 बज रहे हैं और हर रोज की तरह इंदौर के आईटी पार्क की एक कंपनी में जहां माधुरी काम करती है वहां लंच ब्रेक शुरू हो गया है। एक तरफ सभी लोग अपनी सीट से उठ के कैंटीन की तरफ भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर माधुरी अभी भी अपनी डेस्क पे बैठी है। उसने आज हल्के गुलाबी कलर का कुर्ता पहना है जो उस पर काफ़ी जच रहा है। उसकी छोटी छोटी आँखों पे जिसपे ओवल शेप के चश्मे का पहरा है। उसकी नज़रें अभी भी कंप्यूटर पे टिकी हुई है और नाजुक उंगलियां रफ्तार से कीबोर्ड पे चल रही है। तभी उसकी एक कलीग रिया, जो अब उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है, वो उसे काम में व्यस्त देख के उसके पास आती है और पूछती है, माधुरी लंच करने नहीं चलना क्या आज? माधुरी तुरंत अपनी नज़र कंप्यूटर से हटाती है और रिया की ओर देखते हुए कहती है, नहीं यार, वो आज मैं लंच बॉक्स नहीं लाई ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उन्हें टिफ़िन बनाने के लिए मना कर दिया। तभी रिया उससे कहती है, तो चल नीचे एक नया चाट वाला आया है, वहाँ चाट खा के आते हैं। वैसे भी मैं आज सैंडविच लाई हूँ और वो मेरा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। माधुरी रिया की बात मान लेती है और दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे जहाँ एक कोने पे एक 19 साल के लड़के सोनू ने चाट का ठेला लगा रखा है वो उसके पास आ जाती है। रिया और माधुरी गरम गरम छोले और आलू टिक्की की खुशबू सूंघ के जैसे उनके मुंह में पानी आ जाता है। तभी चाट वाला सोनू पूछता है, रिया दीदी कौन सा चाट खाना पसंद करेंगी आप? तो रिया कहती है, कल वो आपका जो चना चाट था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर आज मैं अपनी फ्रेंड माधुरी की पसंद का चाट खाऊंगी। बोल माधुरी, तुझे कौन सा चाट खाना है? माधुरी ठेले पे रखे सभी सामान पे नजर डालती है और थोड़ा विचार करते हुए रिया की कान के पास आके धीरे से कहती है, रिया मुझे नहीं पता ये कौन कौन सा चाट अच्छा बनाता होगा, तू ही को सजेस्ट करना। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, यहाँ का दही पपड़ी चाट और समोसा चाट भी काफ़ी अच्छा है। ये अचानक अनसुनी आवाज़ सुन के माधुरी और रिया झट से पलटती है। उनके सामने एक 5 फुट 8 इंच का सांवला रंग का पर ठीक ठाक बॉडी वाला, जिसने हल्के नीले रंग के फॉर्मल्स पहने हैं और देखने में काफ़ी दिलचस्प दिखने वाला लड़का दिखाई देता है। माधुरी एक टक उसे देखती है और सोचने लगती है कि ये जनाब कौन है। इतने में ही रिया मुस्कुरा के उस लड़की को गले लगा लेती है और कहती है, दीपक तुम कैसे हो? दीपक मुस्कुरा के रिया से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माधुरी अभी भी किसी सोच में डूबी हुई दीपक को देख रही है। तभी रिया माधुरी को दीपक से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है, माधुरी ये दीपक है, मेरा स्कूल का फ्रेंड है, यही पास में इसका ऑफिस है, और दीपक ये माधुरी है जो पहले सिर्फ मेरी कलीग थी बट अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। माधुरी और दीपक एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं और हाथ मिलाते हैं। तभी चाट वाला उन्हें टोकते हुए फिर से पूछता है, दीदी भैया कौन सा चाट खाएंगे आप? तभी रिया माधुरी की तरफ देखती है और कहती है, माधुरी खाने में ना दीपक का टेस्ट बहुत अच्छा है, तुझे प्रॉब्लम नहीं हो तो दीपक से कुछ सजेशन ले। माधुरी सिर हिला के हाँ कह देती है और तभी दीपक चाट वाले को दही पापड़ी समोसा और छोले चाट की एक एक प्लेट बना देने को कहता है। चाट वाला सोनू झटपट 3 चाट की प्लेट तैयार कर देता है और रिया माधुरी और दीपक बड़े मज़े से चाट को खाते हैं। माधुरी खाली चाट की प्लेट रखते हुए दीपक से कहती है, थैंक यू दीपक, आपकी चॉइस वाकई काफ़ी अच्छी है। और आगे वो अपनी घड़ी में टाइम देखती है और रिया से कहती है, रिया अब हमें चलना चाहिए, लंच टाइम ओवर हो गया है और बॉस के साथ मीटिंग भी है ना। रिया भी अपने चाट का आखिरी कोर खा के प्लेट रख देती है और वो दोनों दीपक को बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह करीबन 9 बजे हर रोज़ की तरह ऑफिस जाने के लिए माधुरी रिया का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि माधुरी और रिया एक ही बस स्टॉप से बस पकड़ती हैं और अधिकतर वे दोनों ऑफिस साथ ही जाती हैं। बस स्टॉप पे अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है और सभी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे सब किसी न किसी काम के लिए जा रहे हैं। एक के बाद एक बस आती है और लोग उस पे लटक के निकल जाते हैं अपने काम के लिए, पर रिया का अभी तक कोई अता पता नहीं। अपने फ़ोन को देख रही है तो कभी घड़ी में समय देख रही है और उसके चेहरे पे झलक रही परेशानी से साफ पता चल रहा है कि वो ऑफिस जाने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। तभी माधुरी का फ़ोन बजता है और ये किसी और का नहीं रिया का ही फ़ोन है। माधुरी झट से फ़ोन उठाती है और इससे पहले कि रिया कुछ कहे माधुरी उस पर बिगड़ते हुए कहती है, रिया मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से रिया कहती है,
आई एम सॉरी माधुरी, मैं तुझे बताना ही भूल गई, मैंने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। बुआ जी के घर जा रही हूँ तो तुझे कुछ दिन ऑफिस अकेले ही जाना पड़ेगा। माधुरी उसकी ये बात सुन के फ़ोन रख देती है और आती हुई बस को देख के उसमें बैठ के निकल जाती है। हर रोज़ की तरह माधुरी के ऑफिस में लंच ब्रेक होता है और सभी कैंटीन की तरफ ऐसे मुस्कुराते हुए भागते हैं जैसे स्कूल में खाने की छुट्टी की घंटी सुनते ही कैसे बच्चे मैदान की ओर अपना अपना टिफ़िन लेके भागने लग जाते हैं। पर माधुरी आज भी टिफ़िन नहीं लाई है और अभी तक अपने कंप्यूटर को घूरते हुए अपनी नाजुक उंगलियाँ कीबोर्ड के बटनों पर चला रही है। तभी अचानक माधुरी के दो कलीग आपस में बात करते हुए गुजर रहे हैं, जहाँ एक दूसरे से कहता है, शाम को चाट खाने चलेंगे क्या? उनकी ये चाट की बात सुन के माधुरी के मुंह में कल खाया हुआ चाट का स्वाद फिर से लौट आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाट के साथ साथ उसे दीपक की भी याद आ जाती है। माधुरी तुरंत अपना कंप्यूटर बंद कर देती है और अपना पर्स उठा के ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे लगे चाट के ठेले के पास आ जाती है। चाट वाला सोनू माधुरी को पहचान लेता है और कहता है, अरे दीदी आप बताइए, आज कौन सा चाट खाना पसंद करेंगी? माधुरी मुस्कुराती है और कल दीपक के बताए हुए चाट के ऑप्शंस को याद करके कहती है, वो कल आपने दही पपड़ी चाट बनाया था ना, वही बना दो। इतने में दीपक भी वहाँ आ जाता है और माधुरी के मुंह से दही पपड़ी चाट का नाम सुन के उसे पीछे से कहता है, वैसे यहाँ का कचौड़ी चाट भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो। माधुरी दीपक की आवाज़ सुन के झट से पलटती है और चौंकते हुए दीपक को देखती है और कहती है, अरे आप, पर रिया तो आज नहीं आई। तभी दीपक कहता है, मैं रिया से मिलने नहीं आया हूँ यहाँ। माधुरी दीपक के इरादों को समझ नहीं पाती। तभी दीपक थोड़ा ज़ोर से हंसता है और कहता है, दरअसल मैं कुछ दिनों से लंच बॉक्स नहीं ला रहा हूँ, माँ बाहर गई है ना, इसलिए लंच ब्रेक में यहीं चाट खाने आ जाता हूँ। माधुरी दीपक के जवाब को सुन के मुस्कुराती है और कहती है, दरअसल मेरी माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आजकल मैं भी लंच बॉक्स नहीं ला पाती हूँ, तो बस चाट खाने चली आई। दीपक बड़ी गौर से माधुरी की बातें सुनता है और कहता है, फिर तो आपको आज कचौड़ी चाट ट्राई करना चाहिए। भैया दो कचौड़ी चाट बना दीजिए और हाँ, इमली की चटनी थोड़ी ज़्यादा डालना। सोनू झट पर दो कचौड़ी की चाट बना देता है और माधुरी और दीपक इधर उधर की बातें करते हुए चाट का मज़ा लेते हैं। माधुरी चाट खाने के बाद जैसे ही चाट वाले को पैसे देने लगती है, दीपक उसे रोक देता है और कहता है, अरे रहने दीजिए, मैं दे दूंगा। माधुरी 100 का नोट सोनू को देती है और दीपक की ओर देख के कहती है, आप अगली बार दे देना। दीपक माधुरी की इस बात को सुन के मुस्कुराता है और कहता है, मतलब कल भी आप चाट खाने आने वाली हैं? माधुरी दीपक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। दीपक अभी भी वहाँ खड़ा माधुरी को जाते हुए देख रहा है। एक दो दिन की चाट की मुलाकात अब हर रोज़ की मुलाकात बन जाती है। माधुरी और दीपक के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों मिलकर सोनू के बनाए हुए हर चाट का स्वाद को चख लेते हैं। और तो और माधुरी और दीपक की चाट वाले सोनू से इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि हर रोज़ बातों बातों में वो ना जाने सोनू को नए नए चाट के कितने आइडियाज़ दे देते हैं और सोनू को उनके आइडियाज़ पसंद भी आते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने मेन्यू में ऐड कर लेता है। माधुरी और दीपक के नए नए आइडियाज़ की वजह से सोनू के चाट के ठेले पर भीड़ भी बढ़ जाती है। यहाँ माधुरी और दीपक को अब जैसे एक दूसरे की आदत सी लग गई है। अगर किसी दिन माधुरी काम ज़्यादा होने के कारण चाट खाने ना आ पाती थी तो दीपक उसे फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुलाता था। पर एक दिन जब माधुरी लंच ब्रेक होते ही चाट वाले सोनू के ठेले पे पहुँचती है तो वो काफ़ी देर दीपक का इंतज़ार करती है। कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई करती है पर दीपक उसका फ़ोन नहीं उठाता। माधुरी को समझ नहीं आता कि आखिरकार आज वो क्यों नहीं आया। माधुरी कुछ देर उसका और इंतज़ार करती है और फिर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। माधुरी अपने डेस्क पे आ जाती है और अपना काम में ध्यान लगाने की कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं उसका दिलो दिमाग अभी यही सोच रहे हैं कि दीपक ने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया। कहीं ना कहीं उसे ये भी यकीन है कि दीपक ज़रूर किसी काम में व्यस्त होगा, इसीलिए उसका फ़ोन नहीं उठाया और चाट खाने नहीं आया। दूसरे दिन इस उम्मीद से कि आज तो दीपक ज़रूर चाट वाले सोनू के ठेले पर आएगा, वो जाती है। कई देर उसका इंतज़ार भी करती है पर दीपक आज भी नहीं आता। माधुरी निराश होकर वापस ऑफिस जाने के लिए पलटती है कि तब भी सोनू उसे रोक लेता है और कहता है, अरे दीदी क्या हुआ, दो दिन से आप बिना चाट खाए वापस जा रही हैं? माधुरी को समझ नहीं आता कि अब वो सोनू के इस सवाल का क्या जवाब दे।
कि वो क्यों चाट नहीं खा रही। तभी सोनू उससे आगे कहता है, दीपक भैया अभी अभी कुछ दिन नहीं आएंगे। माधुरी उसकी इस बात को सुन के चौंक जाती है और बड़ी उतावली होकर उससे पूछती है, पर वो क्यों नहीं आएंगे? तो सोनू कहता है, आपको नहीं पता दीदी, शादी है ना, तो वो तैयारियों में व्यस्त हैं। शादी की खबर सुनते ही माधुरी के होश उड़ जाते हैं, उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, उसके होंठ कपकपाने लगते हैं और बिना कुछ कहे वो चुपचाप वहां से चली जाती है। यहाँ सोनू भी समझ नहीं पाता कि उसकी माधुरी दीदी इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है। करीबन एक हफ्ते से ऊपर बीत जाता है और माधुरी सोनू के चाट के ठेले पे चाट खाने नहीं जाती। सोनू के मन में कई बार ये ख्यालात भी आता है कि आखिरकार उसकी माधुरी दीदी क्यों नहीं आ रही है, कहीं वो उससे नाराज तो नहीं। तभी एक दिन जब लंच ब्रेक होता है तो सब लोग कैंटीन में खाना खाने चले जाते हैं। माधुरी भी अब लंच का डब्बा लाने लग गई है, पर उसका खाने का मन ही नहीं होता और वो कई बार तो अपना लंच का डब्बा ऐसे के ऐसे घर वापस ले जाती है, जिसकी वजह से उसे कई बार अपनी माँ से डांट सुननी पड़ती है। करीबन दो हफ्ते से ऊपर बीत गए हैं माधुरी को दीपक से मिले हुए और चाट खाए हुए। अचानक एक दिन ना जाने माधुरी के मन में क्या आता है कि वो लंच ब्रेक होते ही ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे सोनू के चाट के ठेले पे आ जाती है। सोनू माधुरी को देख के बहुत खुश होता है और खुशी खुशी उससे पूछता है, दीदी आज आपका फेवरेट दही पापड़ी चाट बना दूं? दही पापड़ी चाट का नाम सुन के माधुरी के चेहरे पे कोई खुशी दिखाई नहीं देती और वो बस गर्दन हिला के कह देती है, हाँ बना दो। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, सोनू अब चाइनीज चाट भी अच्छी बनाने लग गया है, आज वो ट्राई करें। माधुरी ये आवाज सुनते ही झट से पलटती है और उसके सामने मुस्कुराता हुआ दीपक नजर आता है। सोनू भी दीपक को देख के बहुत खुश हो जाता है और फटाफट दो चाइनीज चाट की प्लेट बना के माधुरी और दीपक को दे देता है। माधुरी दीपक को देख के हल्की सी मुस्कान देती है, पर उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि वो दीपक से नाराज है। तभी माधुरी अपने कांपते हुए होठों से दीपक को शादी की बधाई देती है और दीपक उसे थैंक यू के साथ सॉरी भी कहता है। दीपक उससे कहता है, सॉरी माधुरी, मैं तैयारियों में इतना व्यस्त हो गया था कि तुम्हारा फोन ही नहीं उठा पाया। माधुरी अपनी नज़र चुराते हुए थोड़े रुकेपन से कहती है, कोई बात नहीं दीपक, गलती मेरी है, मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और मैं बस ऐसे ही। तभी दीपक माधुरी की बात काटता है और कहता है, अरे मैं तो तुम्हें शादी की फ़ोटो दिखाना ही भूल गया। फोटो का नाम सुनते ही माधुरी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है, ऐसे लगता है जैसे वो शादी की फ़ोटो देखना ही नहीं चाहती है। दीपक उसे शादी की फ़ोटो दिखाता है और माधुरी जैसे ही वो शादी की फ़ोटो देखती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, ऐसा लगता है ना जाने जैसे माधुरी ने क्या देख लिया हो। दीपक फोटो को थोड़ा जूम करते हुए माधुरी को दिखाता है और कहता है, ये मेरी बड़ी दीदी है और ये उनके पति, पता है मैं बहुत खुश हूँ, दीदी को सच में बहुत प्यार करने वाले पति मिले हैं। तब माधुरी के होश में होश आता है और वो कहती है, तो तुम्हारी दीदी की शादी थी, मुझे लगा। दीपक माधुरी के चेहरे के बदलते भाव को भांप लेता है और हंसते हुए कहता है, हाँ दीदी की शादी थी, तुम्हें क्या लगा मेरी शादी थी। ये बात सुन के माधुरी की सांस में सांस आती है और उसके चेहरे की सारी परेशानियां जैसे एक चुटके में हवा में गुम हो जाती है और वो खुद पे हंसने लगती है और अपने आप से मन में कहती है, मैं भी ना बहुत पागल हूँ। तभी दीपक अपना एक कदम माधुरी की ओर बढ़ाता है और बड़े प्यार से उसके सामने एक प्रपोजल रखते हुए कहता है, अच्छा माधुरी, अगर आज शाम तुम फ्री हो तो मूवी देखने चलोगी मेरे साथ? वो मुझे रिया ने बताया था तुम्हें मूवीज़ देखने का शौक है और खासकर शाहरुख खान की मूवीज़। माधुरी दीपक के मुंह से ये बात सुन के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे समझ आता है कि दीपक को उसकी पसंद नापसंद के बारे में कितना पता है। वो हल्का सा शर्माती है और हाँ कह देती है। तो इस तरह चाट से अब मूवी के बहाने ही सही, पर माधुरी और दीपक निकल पड़ते हैं अपनी मोहब्बत के रास्ते पे एक दूसरे का हाथ थामे। ऐसे ही कहानियों का सिलसिला सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने प्यार करने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।